नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बेकाबू कोरोना के बीच और सख्त हुए प्रतिबंध, सभी प्राइवेट ऑफिसों को बंद करने का आदेश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है। DDMA की तरफ से मंगलवार की जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जरूरी सेवाएं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सभी रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे, सिर्फ टेक अवे की सुविधा ही रहेगी। इधर कोरोना से बढ़ते केस और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए आज CM केजरीवाल कुछ और पाबंदियों का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान कहा था कि कोरोना की रफ्तार देश में काफ़ी तेज़ हो गई है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। दिल्ली में बीते सोमवार को कोविड संक्रमितों के 19,166 नए दर्ज किए गए। राजधानी में कोविड के कुल 65,806 एक्टिव मरीज हैं। इन अंडर ट्रीटमेंट लोगों में से 44,028 लोग हमें आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि 1912 अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली की जेलों में बंद 66 कैदी कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 48 जेल स्टाफ भी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना संक्रमण से बढ़कर करीब 25% तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, रोहिणी जेल में कैदियों और स्टाफों को मिलाकर कुल 114 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, आइसोलेट किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।